हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पटेल्स किचन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ चिकन पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी एंड सिंपल है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, मैंने पाव किलो चिकन ले लिया है, नमक, गरम मसाला पाउडर, ग्रीन चिलीज, अदरक लहसुन का पेस्ट, कोरिएंडर लीव्स, जीरा पाउडर, दही और कसूरी मेथी। मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स को चिकन में ऐड कर दूंगी और फिर आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने छोड़ दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ज्यादा वक्त है तो आप ज्यादा देर इसे मैरिनेट होने रख सकते हैं। ये बहुत ही इजी एंड सिंपल वन पॉट रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, मैंने एक अनियन को स्लाइस कर लिया है, दो आलू को चॉप कर लिए हैं मीडियम साइज में, और करी पत्ता, तेज पत्ता, जीरा, ब्लैक पेपर, लौंग, दालचीनी और इलायची ले ली है मैंने। फ्रेंड्स, मैंने एक प्रेशर कुकर में 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब मैं इसमें अनियन सेट करूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर करी पत्ता और खड़ा गरम मसाला भी ऐड कर लिया है और जीरा भी डाल दिया है। थोड़ी देर इसे फ्राई होने देती हूँ, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हमारी मैरिनेटेड चिकन। फ्रेंड्स, मैंने इसमें दही ऐड किया था और चिकन अपना खुद का पानी भी छोड़ेगा, तो मैं इसे थोड़ी देर पकने देती हूँ। बस मैंने इसमें पोटैटो ऐड कर लिए है, अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। अब इसमें एक बॉईल आ जाएगा, उसके बाद मैं चावल ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 कप चावल ले लिए हैं, मैं इसे अच्छे से वॉश करके ऐड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने चावल ऐड कर लिए हैं और चावल ऐड करने के बाद थोड़ा पानी ऐड किया है। फ्रेंड्स, मैं पानी का मेजरमेंट आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि किसी का चावल ज्यादा पानी ऑब्जर्व करता है, किसी का कम, तो आप अपने चावल के हिसाब से ही पानी का मेजरमेंट रखिए। आप इसमें जरूरत के हिसाब से नमक या स्पाइसेस ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने मैरिनेशन में जो डाला था वो परफेक्ट है, इसलिए मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप जब भी कभी राइस वगैरह प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो ध्यान रखें कि 1-2 बॉईल आ जाने के बाद ही लीड बंद कर दें, क्योंकि इससे अपने राइस एकदम खिले खिले होंगे और उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बनेंगे। और ये वन पॉट पुलाव की रेसिपी बहुत ही ईजी है। आप इसे जब भी लेजी तो कुक फील कर रहे हैं तभी बनाइए, ये बहुत ही इजी बन जाती है और टेस्टी भी बहुत बनती है। बस मैं इसे लीड लगाकर 2 विसल तक पकाऊंगी, उसके बाद लो फ्लेम कर दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने हाई फ्लेम पर 2 विसल तक पकाया, उसके बाद लो फ्लेम पर 10 मिनट तक रखा, फिर उसके बाद उसका प्रेशर निकलने तक वेट किया। हम लोग कई बार ऐसे प्रेशर निकाल देते हैं, लेकिन वो कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ऐसे ही राइस अच्छे से सेट होते हैं। देखो, ये एकदम खिले खिले बन गए हैं। अब मैं इसे डिस आउट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसके साथ खाने के लिए बूंदी रायता भी बना लिया है। बस फ्रेंड्स, मेरा पुलाव रेडी है। ऊपर से थोड़े कोरिएंडर लीव्स, और आपके पास मिंट लीव्स है तो डाले, मेरे पास नहीं। So that's it for today. Hope you like the video and subscribe for more videos. Thank you. Allah Hafiz.